सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने 350 बिस्तर के बनने वाले अस्पताल के स्थल का किया निरीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अभी से की जा रही तैयारियां। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के विस्तार के लिए 350 बिस्तर के अस्पताल भवन निर्माण के लिए स्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर आर.एस. वर्मा एवं अधीक्षक डॉ.एस.के. पिप्पल भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अभी 750 बिस्तर का अस्पताल संचालित है। इसे 350 बिस्तर का विस्तार कर इस अस्पताल को 1100 बिस्तर की क्षमता तक ले जाना है, जिसके लिए शासन द्वारा बजट पूर्व से स्वीकृत है। इस संबंध में शुक्रवार को विधायक शैलेंद्र जैन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां पर अधिष्ठाता एवं अधीक्षक के साथ बैठकर इसकी पूरी जानकारी ली। उसके बाद अस्पताल के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। विधायक जैन ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी की इतिश्री नहीं हुई है, बल्कि अभी तीसरी लहर आना शेष है, जिसमें संभावना है कि बच्चे प्रभावित होंगे। शासन के निर्देश हैं कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 30x30 बिस्तर का SNCU बनाया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि यह संख्या भी कम है। अभी इस ट्रेन में बच्चे और किशोर प्रभावित नहीं हुए हैं, बड़े प्रभावित हुए हैं। उनका इलाज कर पाना आसान है, परंतु बच्चे का इलाज करना अपने आप में कठिन है, उन्हें संभालना कठिन है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के इस 350 बिस्तर के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु आज हमने स्थान का निरीक्षण किया है। चूंकि जिला चिकित्सालय और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लगभग एक ही परिसर में है, इससे शहर के अन्य क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा प्रयास है, यह हमारी इस व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जिला चिकित्सालय का निर्माण शहर के किसी अन्य क्षेत्र में किया जाना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को जिला चिकित्सालय का लाभ हो और जिला चिकित्सालय के परिसर को मेडिकल कॉलेज को दे दिए जाना चाहिए। इस परिसर में लगभग 7.67 एकड़ जमीन जिला चिकित्सालय के पास है। उसके लिए मध्य प्रदेश शासन को संभागायुक्त के माध्यम से लगभग एक वर्ष पूर्व एक पत्र भेजा गया था। उस बैठक में कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे। उस पत्र में यह मांग की गई थी कि यह जमीन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को दी जाए। मैन पानी में स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की 50 एकड़ जमीन में से कुछ जमीन जिला चिकित्सालय को रेसिडेंशियल क्वार्टर बनाने के लिए उपलब्ध करा दी जाए, परंतु अब तक उस पत्र पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हम यह चाहते हैं कि इस विषय पर त्वरित निर्णय हो और निर्माण संबंधी कार्य पूर्ण हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्तर पर मेरे प्रयास लगातार जारी हैं। यदि आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से भी चर्चा करूंगा। किया जा रहा था, ये निरीक्षण का उद्देश्य जो है वो ये है, वस्तुतः मैं आपको बताऊं कि आज हम जिस विभीषिका से जूझ रहे हैं और ये विभीषिका कोई इतिश्री नहीं है। इसके बाद अगला नया जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है और हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। विशेष रूप से इस नए स्ट्रेन के बारे में जो प्रडिक्शन है, प्रडिक्शन ये है कि उस नए स्ट्रेन में जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, उन छोटे बच्चे हैं, उन पे भी ये स्ट्रेन जो है काफ़ी प्रभाव डालेगा। तो बच्चों को अगर प्रभाव डालेगा तो उस समय हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं कि हर एक मेडिकल कॉलेज में 30-30 बिस्तर का SNCU बनाया जाए। अभी वर्तमान में हमारे पास 10 बिस्तर का SNCU मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 30 बिस्तर भी हमारे उस संक्रमण काल में जब वो स्ट्रेन आएगा तो शायद हमारी आवश्यकता पूरी ना कर पाए। तो 30 बिस्तर के अलावा भी हमारी क्या व्यवस्था हो सकती है जब बच्चे आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सेकेंड स्ट्रेन में तो हमारे एडल्ट्स उससे प्रभावित हुए हैं, तो एडल्ट्स को हॉस्पिटलाइज करना इज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, लेकिन बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना इज़ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। माँ के बगैर बच्चा नहीं रह पाएगा, किस तरह से उनको रखा जाएगा, कैसी सिचुएशन, उन तमाम विषयों पर थोड़ी चर्चा करनी थी। मेडिकल कॉलेज मून स्टार न्यूज 24 के लिए सागर ब्यूरो की रिपोर्ट।